हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप तो ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ बिहार गांव की शादी शेयर कर रही हूँ। तो ये आज हल्दी का प्रोग्राम है, और ये हल्दी के लिए सजाया गया है छत के सबसे ऊपर सेकंड फ्लोर पे। तो ये देखें, इस तरह से सजाया गया था हल्दी के लिए, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हुआ है गांव के हिसाब से, बहुत ही अच्छा हुआ है डेकोरेशन। और ये देखें, गांव की कुछ औरतें आ गई हैं, और अभी घर वाले तैयार होकर नहीं आए हैं, सभी लोग तैयार हो रहे हैं और हम लोग आ गए हैं तैयार होकर। ये देखें, ये स्टेज है, यहीं पे अच्छा सजाया है ना, दूल्हा को बैठना है। ये मम्मा का देख लीजिए, देख आगे लीजिए, देख सीट, आप खुद की मम्मा की सीट पे क्यों बैठी? गांव के हिसाब से बहुत ही अच्छा सजाया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बिहार की शादी देखें, और ये मैं हूँ, मुझे तो आप लोग जानते और पहचानते ही हैं, आप लोगों की रूमी। तो ये मैं हूँ, और ये मेरी छोटी सिस्टर। तो हम लोग पहले आ गए हैं तैयार होकर छत पर, और अभी घर वाले नहीं आए हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी वीडियो बना लूं। अभी गांव की औरतें भी नहीं आई हैं, तो अभी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। ये देखें, धीरे धीरे गांव की औरतें बढ़ने लगी हैं। अभी चेयर खाली था, अभी कुछ भरने लगा है, और अब देखिए दूल्हा बाबू आ गए हैं तैयार होकर, और अब हल्दी का फंक्शन शुरू हो गया है। तो इस तरह से थाल सजाया गया है, ये चावल को कलर करके रखा गया है। तो जी, अब हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, और यहाँ पर मेरी सिस्टर भी बैठी है और उसकी बेटी। तो मैं शादी में आई थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ वीडियो आप लोगों के लिए भी शूट कर लूँ, आप लोग भी देख लें बिहार में गांव की शादी कैसे होती है। तो मैं अपनी नानी के यहाँ आई हुई हूँ, ये मेरी छोटी मुआनी है, ये देखिए इन्हीं का बेटा है, छोटा बेटा, सबसे लास्ट शादी है। तो ये चुमा रही हैं, सबसे पहले स्टार्ट माँ से होता है, तो देखें कैसे कैसे चुमा रही हैं, आप लोग देख लीजिए, मुझे तो आता नहीं है, मेरी भी बारी आएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन ऑल के साथ, ताकि मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेल आइकन ऑल के साथ, ताकि मैं जब भी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप लोगों से कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो ये देखें, हमारी छोटी मुआनी चुमा ली, अब जा रही हैं। अब इस ख़ानदान की सबसे बड़ी बेटी आई है, तो ये हैं मेरे बड़े मामा की बड़ी बेटी, वो ननिहाल में सबसे ख़ानदान में सबसे बड़ी बेटी है, इनके बाद ही कोई भी बेटा बेटी है। तो इनकी इज्जत बहुत होती है, इन्हें बहुत मान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी हैं और हर काम की शुरुआत इनसे कराई जाती है। ये बाजी और मेरी अम्मी दोनों हम उम्र हैं, तो इन दोनों में बहुत पटता है पुत्री भतीजी में। तो पीछे से मेरी अम्मी भी कुछ बोल रही हैं, आप लोग सुने। तो
तो जी बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा था कि आप शादी में बिहार गई हुई हैं तो बिहार की शादी की वीडियो बनाइए, हम लोग भी देखेंगे कैसी शादी होती है बिहार में। जो लोग बहुत दूर दूर से हैं और वो लोग बिहार कभी भी नहीं आए हैं तो उन लोगों के लिए मैंने खासकर वीडियो बनाया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को बिहार की शादी। और ये मैं आई हूँ चुमाने, तो देखिए मैं हल्दी लगा रही हूँ, मुझे उतना आता नहीं है और हम लोग बहुत दूर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं और बिहार बहुत कम ही आना जाना होता है हम लोगों का, बहुत ही कम। किसी किसी की शादी में चले जाते हैं, नानी के यहाँ तो बहुत सारे परिवार में है, मेरे भाई बहन बहुत सारे लोगों की शादी हुई है पर इतना किसी की शादी में जाना नहीं बनता है। तो ये मैं दूसरी शादी में आई हूँ, एक संजय मामा के यहाँ शादी में गई थी और अब आई हूँ छोटे मामा के यहाँ शादी में दूसरी बार। और उससे पहले जब हम लोग वहाँ रहते थे तो आते जाते रहते थे, इतना दूर आने के बाद कहाँ आना जाना बनता है। अब ये छोटी मेरी छोटी सिस्टर आ गई है चुमाने बेटी को लेकर, तो देखिए इन दोनों की फनी बातें सुनिए आप लोग। आप नहीं लगा रही है। मेरी छोटी सिस्टर को भी नहीं आता है हल्दी लगाना, ये पूछ कर लगा रही है, मुझे भी नहीं आता, मैंने भी इतना कुछ नहीं किया, बस पैसे चुमाया, हल्दी लगाया और चावल चुमा दिया, उसके बाद चले आए, इतना ज़्यादा कुछ तो नहीं आता है मुझे। और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और पीछे हल्दी का प्रोग्राम चल रहा है, एक के बाद एक लोग आते जा रहे हैं और हल्दी लगा रहे हैं। और ये देखें मैंने भी थोड़ा सा हल्दी छुआया है अपने फेस पे, ये देखें हम लोग कितना थोड़ा थोड़ा फेस पर हल्दी लगाए हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा हम लोगों के फेस की हालत क्या हो जाएगी। और ये देखें ये मेरे ममेरे भाई हैं, बड़े मामा के बड़े बेटे। तो जी हल्दी का प्रोग्राम तो अब पूरा हो गया और यहाँ पर देखिए आइलिन कैसे लाइट से खेल रही है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट कलर बदल रहा है। तो और अब देखिए मेरे फेस की हालत, तो ये सब किसने किया है बताती हूँ। ये मेरी मेरी बहन ने लगाया है फेस पे, ये संजय मामा की बेटी है, ये बहुत ही मजाकिया है, ये किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे भाभियाँ हो या बहनें हो भाई हो, किसी को नहीं छोड़ती है, सभी से मजाक कर लेती है। तो यहाँ पे देखें आइलिन और मेरी सिस्टर को, आइलिन अपनी मम्मी को हल्दी लगा रही है और अब इसकी मम्मी भी लगा रही है आइलिन को हल्दी और डांस थोड़ा करवा दी आइलिन को। तो जी हल्दी का प्रोग्राम ख़त्म हो गया और अब हो रहा है वीडियो फोटो शूट। देखें यहाँ पे सबका फोटो शूट हो रहा है और मैं पीछे खड़े होकर
वीडियो शूट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कमेंट करके, आप लोगों को बिहार की शादी के हल्दी का फंक्शन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। किस किस को पसंद आई बिहार की शादी, और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अभी और भी अच्छी अच्छी वीडियो बाकी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज हल्दी का वीडियो शेयर कर रही हूँ, उसके बाद शादी का, फिर वली माँ का, बहुत सारी वीडियो है। ये सभी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये दूल्हा बाबू के साथ बैठी और मैं बातें कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, वो मना कर रहा है। और यहाँ पर मैं आ गई स्टेज पे, और मेरी सिस्टर बोल रही है कुछ पोज दीजिए, पर मुझे कोई पोज ही नहीं आता है। बस मैं आकर ऐसे ही खड़ी हो गई। तो यहाँ से देखिए कैमरा में हल्दी उल्टा लिखा हुआ दिख रहा है। तो जी हल्दी का फंक्शन ख़त्म हो गया और अब आई है खाना खाने की बारी। तो ये मैं सालन दिखा रही थी और अब यहाँ पर खाना स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए हम लोग येलो ड्रेस पहने बैठे।